एक और बता देता हूं, आप सामयिक में बैठे हो बराबर, आपका ड्रेस कोड है ना, धोती है, खेस है, इन महिलाओं से पूछो, सामयिक में आए हैं, मंदिर जाते हैं, पूरा पल्लू डाल करके जाएंगे। और जरा समर में इंडोनेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, अमेरिका जब जाएंगे तब जरा मुझे बताना कि आपका ड्रेस कोड क्या होता है। अरे छोड़ो इतना दूर, यहां से सिर्फ गोवा जाते हैं ना, गोवा वो देख के हम बैठते हैं रोवा। क्या ये हमारे साईं बाग के श्रावक श्राविका है क्या? और अक्कल तो देखो, वहां जाकर के सुबह में मॉर्निंग में जो करते हैं, जो स्विम शूट, फिर उसकी सेल्फी, फिर उसको व्हाट्सएप में स्टेटस में डीपी में छोड़ते हैं और पूरे साईबाग को बताते हैं, देखिए हम गोवा में कैसे और हम साईबाग में कैसे। शर्म नहीं आती? आप 50 साल के हो गए, अब आपको यह सब अच्छा लगता है? आपको देख करके आपकी बच्ची क्या करने वाली है? आप तो अच्छे हो कि मंदिर में मर्यादा रखते हो, आपकी बच्ची मंदिर में भी नहीं रखेगी। अभी छरीपालता संघ लेकर भंडारी परिवार के साथ हम संकेश्वर गए, संघ तो पूरा हो चुका था और हम मंदिर में बैठे थे, भगवान का जन्म कल्याणक था, पोष दशमी का, 50 साधु पीछे, 150 साध्वी जी बैठे थे, पूजा की लाइन लगी थी, अचानक एक लड़की आई, वहां स्ट्रिक्टली वार्निंग है, पल्लू ओढ़ के भगवान की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। एक लड़की आई बिना पल्लू ओढ़ के, पुजारी ने रोक दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एंट्री कैसे मिली? अमृतसर के अंदर यदि इंदिरा गांधी जाए या ऐश्वर्या राय जाए या प्रियंका चोपड़ा भी जाए तो भी उसे ओढ़ना पड़ता है, होता है कि नहीं? और हमारा जैन मंदिर, हमारा जैन स्थानक, हमारा जैन भवन बोड़ी बामणी का खेतर, कुछ भी कर सकते हो। लड़की ने सीधे गभारा के अंदर एंट्री ली, पुजारी की नजर पड़ी, पुजारी ने कहा बहन जी पहले पल्लू ओढ़ो, नहीं है, बाहर जाके किसी का भी ओढ़ के आओ, अंदर पूजा करने नहीं मिलेगी। आप सुनना मेरी बात, ये आपकी लड़की होती है। उस लड़की का दिमाग छटका, पुजारी को कहा तू कौन मुझे रोकने वाला, पुजारी को तू कौन है मुझे रोकने वाला, और कब से तुमने यह नियम बना दिया, तुम्हारा मनमाना नियम नहीं चलेगा। वाह, तो क्या तुम्हारे घर पे आवे तुमको कहने के लिए हमने ये मंदिर में नियम बनाया? रूल्स इज अ रूल्स। अब सुनना, जैसे ही उसने सामना किया, फाइट दे दी, मैं आगे ही बैठा था, मैं भगवान की जगह इन दोनों को देख रहा था, मेरा खून इतना गर्म हो चुका था। नसीब उस लड़की का बच गई। पुजारी ने मुझसे पूछा, महाराज साहब मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल बराबर है ना कि बिना पल्लू ओढ़ के भगवान की पूजा? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने कहा। उसने किसी का लेके ओढ़ लिया, पूजा करके निकल गई। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, उस दिन मैंने ठान लिया था यदि उस लड़की ने मना की होती मैं पल्लू नहीं ओढ़ूंगी तो मैं खड़ा हो जाता और पुजारी को कहता दो झापट मार से, और मैं तेरा साक्षी हूं, कोर्ट में यदि जाना पड़े मैं आऊंगा, लेकिन अभी तो दो चाटा उसे रसीद कर दे। न तो गुरु महाराज की शर्म, न भगवान की शर्म, ऐसे लोग पूजा करने क्यों आते हैं? उससे अच्छा है आप बाहर ही रहिए। मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं,
आप दर्शन करने को आते हो, प्रदर्शन भरने को नहीं आते। आई बात समझ में? बहुत सारी बातें हैं यहां पर बैठे हो, रिस्पेक्ट्स है, लेकिन मंदिर में जाकर के जो करो वही ड्रेस कोड आपका बाहर जाने के बाद भी रहे ना। इसका मतलब ये नहीं कहता हूं कि पूरी जिंदगी आप धोती पहन के घूमो, लेकिन अभद्र वेश तो नहीं होना चाहिए जिसे दूसरों के मन के अंदर वासना विकार उत्पन्न हो, ऐसा परिवेश नहीं होना चाहिए। यह महावीर के साथ रिलेशन है। आइए, आज का सामायिक रिस्पेक्ट है या रिलेशन है, जरा बताइए, आज का सामायिक रिस्पेक्ट है या रिलेशन है? रिस्पेक्ट, बिना सामायिक वाले बोलते हैं रिस्पेक्ट। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से आप नक्की करो हमारे जीवन में भगवान महावीर के नाम पर रोज का एक सामायिक यदि हम चालू कर दे तो आज का सामायिक रिलेशन। मारा साहब हमें कदी मलोला, दखले साल मलोला, तो वह रिस्पेक्ट है। आइए महावीर के साथ रिस्पेक्ट में से हम रिलेशन में जावे, यही मंगल कामना। भगवान की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो मिच्छा।